कभी-कभी हमें किसी सर्किट के किसी एक पार्टिकुलर ब्रांच में करंट की वैल्यू को पता करना होता है, जबकि उसी पार्टिकुलर ब्रांच में लगा रेजिस्टेंस वैरी करता रहता है, और जो बाकी ईएमएफ सोर्स और रेजिस्टेंस होते हैं उस सर्किट में वो सारे कांस्टेंट होते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान ले कि ये एक सर्किट है कुछ इस तरह से, और इस सर्किट में ये जो आपको डॉटेड बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर ये जो आपको ईएमएफ सोर्स दिख रहा है और रेजिस्टेंस आर वन, रेजिस्टेंस आर टू और ये जो आर थ्री है, ये सारे फिक्स हैं, ये चेंज नहीं हो रहे हैं। और जो हमें पता करना है वो ये इस लोड रेजिस्टेंस आर एल से करंट कितना फ्लो कर रहा है। अगर ये लोड रेजिस्टेंस वैरी करे तो इसके थ्रू ये जो करंट फ्लो होगा, लोड करंट, ये भी तो वैरी करेगा। तो हमें इसे पता करने के लिए इस सर्किट को किरचॉफ्स का वोल्टेज ला लगा करके बार बार सॉल्व करना होगा। तो ये जो बार बार सॉल्व करने की झंझट है, इसी झंझट से निपटने के लिए हम यूज करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम को, और ये जो आपको डॉटेड बॉक्स में दिख रहा है इस सर्किट को ही कहा जाता है एक्टिव सर्किट। और हम इसे एक इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, इसे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कहा जाता है। और ये जो पॉइंट होगा ये होगा ए और ये होगा बी। अब इस लोड रेजिस्टेंस आरएल से करंट कितना फ्लो करेगा वो हम मान ले रहे हैं, वो है लोड करंट आईएल। ये आईएल होगा कितना, ये होगा कुछ इतना, लोड करंट इक्वल टू ई डैक्स डिवाइडेड बाय आर डैक्स प्लस लोड रेजिस्टेंस आरएल। ये ई डैक्स जो है इसे कहा जाता है थेवेनिन्स वोल्टेज, या फिर इसे ओपन सर्किट वोल्टेज कहा जाता है। ये कितना होगा हम इस पे आगे बात करेंगे। और ये जो आपको आर डैक्स दिख रहा है इसे कहा जाता है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, इस पे भी हम आगे बात करेंगे। और ये है लोड रेजिस्टेंस आरएल। तो आप ये सोचें आप कि अगर ई डैक्स का वैल्यू फिक्स है और आर डैक्स का वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है, और हमने इसे पता कर लिया, तो अब हम लोड रेजिस्टेंस आरएल की जगह पे इसका वैल्यू जब जब बदलेगा तो हम इसी की जगह पे उसके वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमें ये लोड करंट आसानी के साथ पता चल जाएगा। अब हम इसे मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। ये जो आपको पहला लूप दिख रहा है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है मान रहे हैं वो है क्लॉकवाइज में, और ये है I1। और दूसरा वाला ये जो लूप है इसमें भी जो करंट फ्लो कर रहा है वो है क्लॉकवाइज में, और ये है लोड करंट IL। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इन दोनों ही लूप में अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन बोथ लूप्स वी गेट। तो देखिए होगा कितना, रेजिस्टेंस आर वन और रेजिस्टेंस आर टू से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई वन, तो ये आई वन को हम कॉमन कर लेंगे और यहां से हमें मिलेगा आर वन, आर वन प्लस आर टू आई वन, और इसी रेजिस्टेंस आर टू से ये जो लोड करंट आई एल है ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और आई वन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस, तो माइनस आर टू इंटू आई एल इक्वल टू ई। ये है इक्वेशन नंबर वन। और दूसरे वाले लूप में देखें हमें क्या मिलेगा, यहां पे देखें इस R2 में करंट जो फ्लो कर रहा है लोड करंट इस डायरेक्शन में, और इसमें भी इस डायरेक्शन में, और इसमें भी इस डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है, तो यहां से हमें मिलेगा R2 R2 प्लस R3 प्लस RL इंटू IL माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ये जो I1 है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस आर टू में, तो यहां पे होगा माइनस माइनस आर टू आई वन इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। तो यहां से आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये पाएंगे फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन टू, तो यहां से हमें मिलेगा, हम यहां से पता करेंगे कि आई वन का वैल्यू कितना है, वैसे ये आई वन है, तो I1 का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो होगा I1 इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस RL ब्रैकेट में रहेगा, और फिर ये लोड करंट IL डिवाइडेड बाय R2।
अब हम इस आई वन के वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर वन में, ये जो आई वन दिख रहा है इसके जगह पे पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन। तो यहां से हमें मिलेगा रखने पे ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन, ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, और आई वन की जगह पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर एल ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय आर टू, और ये जो आई एल है इसमें भी है और इसमें भी है तो हम यहीं से कॉमन कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आर टू और यहाँ लगा दें एक बड़ा सा ब्रैकेट कुछ इस तरह से, और यहाँ पे कॉमन हो जाएगा आई एल इक्वल टू हो जाएगा ये ई। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये पाएंगे, तो इसे अब हम सॉल्व करने वाले हैं, ये होगा आर टू तो इसका एलसीएम हो जाएगा और इसका जो है इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे आर वन आर टू प्लस आर वन आर थ्री प्लस आर वन आर एल माइनस माइनस आर टू स्क्वायर प्लस आर टू आर थ्री प्लस प्लस आर टू आर एल, और फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा माइनस आर टू का स्क्वायर। तो अब ये जो आपको आर टू स्क्वायर दिख रहा है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर होगा लोड करंट आई एल इक्वल टू ई, ये जो इस ये जो है आर टू स्क्वायर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें सॉल्व करने पे मिलेगा, यहाँ से आगे हमें मिलेगा आर वन आर टू प्लस इसमें से ये जो आपको दिख रहा है आर वन आर थ्री और ये जो आपको दिख रहा है आर टू आर थ्री, इसमें आर थ्री कॉमन हो जाएगा तो हमें मिलेगा आर वन प्लस आर टू आर थ्री कॉमन हो जाएगा माइनस, माइनस नहीं होगा बल्कि होगा प्लस, और ये जो आपको आर वन आर एल दिख रहा है और आर टू आर एल दिख रहा है इसमें आर एल कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा आर वन प्लस आर टू इंटू आर एल डिवाइडेड बाय आर टू और ये ब्रैकेट बंद रहेगा और फिर यहाँ पे होगा आई एल इक्वल टू ई। तो यहाँ से आगे हमें मिलेगा आर टू को जो है हम इस साइड भेज देंगे, हमें लोड करंट पता करना है किसी तरह से, तो यहाँ से लोड करंट जो होगा वो होगा कितना, वो होगा आई एल जो कि होगा लोड करंट इक्वल टू ई इंटू आर टू डिवाइडेड बाय ये वैल्यू जो है पूरा ये इसके नीचे चला आएगा तो हमें यहाँ से मिलेगा आर टू, माफ कीजिएगा आर वन आर टू प्लस आर वन प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर वन प्लस आर टू ब्रैकेट बंद फिर लोड रेजिस्टेंस आर एल। अब हम क्या करेंगे, अब हम R1 प्लस R2 से ऊपर नीचे भाग दे देंगे तो यहाँ से आएगा लोड करंट IL बराबर ये होगा, ये होगा कितना, ये होगा E डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 R1 प्लस R2 पूरे का डिवाइडेड बाय R1 आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू और यहाँ पे आर वन प्लस आर टू से भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे होगा सिर्फ आर थ्री और प्लस यहाँ पे होगा आर एल। तो ये हम मान लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर
थर्ड। अब हम पता करेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज को या कहें थेवेनिन वोल्टेज को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो सर्किट है इसमें से ये जो लोड रेजिस्टेंस RL है इसे यहां से हटा लेंगे। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वही होता है थेवेनिन वोल्टेज या कहें ओपन सर्किट वोल्टेज। तो जब यहां से लोड रेजिस्टेंस को हटा लिया जाएगा तो जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो हम पता करेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज को ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी के बीच में हम पता करेंगे जो कि होगा थेवेनिन वोल्टेज। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी यही होगा थेवेनिन वोल्टेज। तो हम मान रहे हैं कि यह है ई डैक्स, इसी को कहा जाता है थेवेनिन वोल्टेज। तो अब देखें जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है और ये जो रेजिस्टेंस R3 है इससे करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन है तो यहां से करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में नहीं होगा। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये R2 के अक्रॉस यही रिस्पॉन्सिबल होगा इस EDACS के बराबर जो कि होगा थेवेनिन वोल्टेज। यहां पे R3 का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये ओपन है, इस डायरेक्शन से करंट का फ्लो ही नहीं होगा। तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा इस R2 के क्रॉस वही होगा इस थेवेनिन वोल्टेज के बराबर। तो ये EDACS होगा कितना? ये होगा EDACS जो कि है ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज इक्वल टू, अगर आप यहां पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हैं तो आप ये पाएंगे कि मेन वोल्टेज ई इंटू जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है EDACS वो हो रहा है R2 के क्रॉस। तो ई इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 और R2 का सम। तो ये R2 और ये हम मान ले रहे हैं कि यह इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो EDACS है जिसे थेवेनिन वोल्टेज कहा जाता है ये इतना होगा, इसका वैल्यू इतना होगा। अब हम यहां पे पता करेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सब कुछ वही रहेगा, ये जो EMF सोर्स है इसे यहां से हटा देंगे और इसे हम कर देंगे शॉर्ट। और जैसे ही हम इसे शॉर्ट करेंगे तो जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा और हम टर्मिनल ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस पता कर रहे हैं। तो ये होगा, मान ले रहे हैं कि यह है R-DACS जो कि है थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड पी, ये होगा R-DACS इक्वल टू, ये जो R1 और R2 है ये है पैरेलल में और उन्हीं के साथ ये R3 जो है ये सीरीज में होगा। तो R1 पैरेलल होगा इस R2 के साथ और प्लस सीरीज में होगा ये R3 और यहां से मिलेगा हमें R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है इक्वेशन नंबर मान लिया हमने ये है 5। अब देखें इक्वेशन नंबर 4 में ये जो आपको दिख रहा है ये बराबर है इस EDACS के और वही इक्वेशन नंबर 5 में देखें ये वाला ये बराबर है इस R-DACS के। अगर हम इन्हीं वैल्यू को इक्वेशन नंबर जो है ये थर्ड वाला इसमें पुट करें तो देखें हमें क्या मिलेगा। हमें मिलेगा ये जो लोड करंट IL है ये होगा कितना, ये होगा लोड करंट IL इक्वल टू इस E इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ये EDACS, तो हो जाएगा यहां से EDACS डिवाइडेड बाय, यहां पे देखें ये R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी की जगह पे हम लिख सकते हैं R-DACS। तो यहां से हमें मिलेगा R-DACS प्लस ये जो लोड रेजिस्टेंस है RL, तो ये हो जाएगा RL। तो ये रहा
इसका प्रूफ अगर आप जो है इसे मैच कराएं इसके साथ तो दोनों चीजें आपको सेम नजर आएंगी। तो ये हमने इसे प्रूफ कर दिया है।